नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इस क्वेश्चन के जरिए हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ 70 kg मैन हुज एलिवेशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर गिवन। मास ऑफ अर्थ 5.9742 × 10^24 kg and radius of earth is equal to 6378 किलोमीटर। दोस्तों ये अर्थ है हमारी और ये जो बंदा है इसके बीच के डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है ये बंदा भी सरफेस से उतनी ही दूरी पे, तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होगी। और दोस्तों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एफ इजक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। मास, दोनों दोनों बॉडी का मास या दोनों ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ मैन स्मॉल एम, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम ई, विच इज गिवेन। बोथ द मास आर गिवेन, डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और उसकी पावर 2 है। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.67 × 10^-11। और यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की अगर हम न्यूटन मान ले और ये जो डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर यहाँ चली गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन ये हो जाएगी दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट दोस्तों डिफाइन है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इफ मास इज कांस्टेंट। F इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg × 1 kg इज मास, एक्सलेशन इज 1 m/s². F इज इक्वल टू ma दोस्तों, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स को हम ma कह सकते हैं। और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/s² kg/s², इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें g की यूनिट मिल जाएगी दोस्तों। न्यूटन की जगह हमने ये पुट कर दिया मीटर स्क्वायर पाई केजी स्क्वायर, तो हमें जी की वैल्यू मिल गई 6.67 × 10^-11 m³/kg²। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के टर्म में न्यूटन की वैल्यू रख दी तो हमें ये SI यूनिट में मिल गई, L³। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी जी की, कैपिटल जी की, मीटर क्यूब यानी L³ अपॉन एम, केजी यानी एम, सेकेंड यानी टी स्क्वायर, L³/mt² कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है दोस्तों। अगर ये जो मास है मैन का दोस्तों, ये अगर सरफेस पे होता, यानी कि अर्थ के जो सरफेस पे है उस पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, F इक्वल टू 6.67 × 10^-11 × 70 × 5.9742 × 10^24। ये तो आ गया दोस्तों जब जब वो बंदा है वो रेडियस ऑफ अर्थ के दुगनी दूरी पे है, सेंटर से लेके रेडियस ऑफ अर्थ एक और दूसरा ये, तो हमें फोर्स कितना लग रहा है 171 न्यूटन ये वाला दोस्तों। अगर वो बंदा इतनी दूरी पे रेडियस ऑफ अर्थ दूरी पे सरफेस से, अब हम देखते हैं अगर कोई चीज सरफेस पे ही है, ज़्यादातर चीज़ें जो है अर्थ के सरफेस पे हैं, आप भी हम भी ये बिल्डिंग भी, तो दोस्तों ग्रेविटी कितनी लगेगी उसका इफेक्ट, अगर ये सिचुएशन हो दोस्तों, तो एफ इजक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। एम को दोस्तों हम इधर ले आते तो इधर बचेगा कैपिटल जी जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो भी हम कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं। तो ये दोस्तों ये जो वैल्यू होती है इसी यही है जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी।
ये जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है दोस्तों ऐसे आती है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, फोर्स इक्वल हो जाएगा एम जी। इसी को कहा जाता है वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेट है दोस्तों, अर्थ पे जो है, मास इंटू स्मॉल जी, और स्मॉल जी हमने देखा कैसे निकला, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वेट जिसे कहते हैं। मास हमें 70 kg दे रखा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 9.81, और यहाँ से जो जी की वैल्यू है ये आप निकाल के देखिए 9.81 m/s² के आसपास आनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।